22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन इसके पहले ही राम जी की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद एक सनातन विरोधी बयान देते हुए प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ संतों ने भी इसका विरोध किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विषय पर अब संत समाज भी सामने आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले संतों के खिलाफ अब संत समाज ने ही मोर्चा खोल दिया है। प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी सरस्वती के साथ ही अमरकंटक के महामंडलेश्वर हरिहरानंद जी, मुंबई के महामंडलेश्वर चिदम्बरानंद सरस्वती ने भी विरोध करने वाले संतों को नसीहत दी है कि वो पहले सनातन पर सवाल उठाने वालों से सवाल पूछे, बाद में राम मंदिर पर सवाल उठाए। साध्वी सरस्वती ने सवाल उठाने वाले संतों को 22 जनवरी के आयोजन में शामिल ना होने की सलाह दी है। बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और सभी संगठनों के माध्यम से अक्षत वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें आपको एक पत्रक भी दिया जा रहा होगा और निवेदन भी किया जा रहा है कि जो भी अयोध्या आ रहे 30 तारीख के बाद। और एक बढ़िया बात बताती हूँ, विश्व ट्रैवल और इसके टूरिज्म के रिकॉर्ड के अनुसार जो मेरे पास खबर थी अभी 10 दिन पहले, सारी दुनिया के रिकॉर्ड अयोध्या ने तोड़ दिए हैं। लोगों ने 4-4, 5-5 महीने के बाद तक की टिकट्स, होटल, ये सारी चीज़ें लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में बुक करा लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई उत्सव हो सकता है। जो लोग 22 जनवरी को नहीं, ये बहुत लिमिटेड कार्यक्रम है, उसके बाद से सबके लिए मंदिर खुलेगा, लोग अपने घरों में दीप जलाएं, सुंदरकांड का पाठ करें। एक महीसाल में एक बार दीपावली आती है तो हम घर से कम सैकड़ों दिए जलाते हैं। अब तो 1400 वर्षों का वनवास करके मेरे प्रभु आ रहे, तो आप हजारों दिए जलाएं। जी, महात्माओं में भी हम लोगों को यह चिंतन करने का समय है, साधु संतों में या कथावाचिकाओं में, कथावाचकों में धर्म प्रचार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की दृष्टि से भी हम ये समाज को दिखाना चाहते हैं और उन लोगों को, दूषित मानसिकता रखने वाले लोगों को भी दिखाना चाहते हैं जो सनातन धर्म पर ये आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ स्त्री का सम्मान नहीं है, स्त्री का मान नहीं है। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि सनातन धर्म स्त्री की मर्यादा को लेकर के कितना महत्व देता है, कि हम सभी संतों ने एक इस बालिका को आगे बढ़ाने का निर्णय किया कि ये सनातन धर्म की ध्वजा को आगे लेकर के संत शक्ति आंदोलन के रूप में आगे बढ़े। और मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है कि भोपाल की नगरी में हम ये प्रेस वार्ता के माध्यम से ये संकेत करना चाहते हैं कि जब संपूर्ण देश बदल रहा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश बदल रहा है, तो मध्य प्रदेश का ही एक अंग छिंदवाड़ा, उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है, उसका बदलाव होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि आज इस प्रेस वार्ता के बाद में अगली जो चाहे प्रेस वार्ता हो, एक भव्य कार्यक्रम हो, जिसमें अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अनेकानेक महामंडलेश्वर, अनेकानेक महंत, अनेकानेक संत महापुरुष एकत्रित होकर के और संत शक्ति आंदोलन को एक रूप देंगे और मुखर होकर के समाज को एक संदेश देंगे कि हम धर्म और देशद्रोहियों के विरुद्ध संपूर्ण संत समाज एक होकर के मुखर होने के लिए तैयार है। ये हमारी विचारधारा है, ये हमारी बात है जो हमने आपके सामने शेयर की। बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन इसके पहले ही राम जी की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद एक सनातन विरोधी बयान देते हुए प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ संतों ने भी इसका विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।